सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। पता नहीं कौन बेवकूफ है जो सोने को मिट्टी के भाव बेच रहा है। अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। जी नमस्ते, मुझे मुझे विलियम हेनरी साहब से मिलना है। मैं ही हूँ विलियम हेनरी। आप सेठ हीरा लाल? लाल नहीं, मल, मल हीरा मल। बैठिए। चाय पियेंगे आप? ना ना, आप पीजिए। आप ही से मेरी कल फोन पर बात हुई थी। जी 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 जी, मैं ही हूँ जो आपका ये बंगला खरीदना चाहता हूँ। वो तो आपने मुझको फोन पर ही बता दिया था जी। लेकिन आपको एक बात याद है ना, मैंने आपको कहा था कि 50 लाख से 1 रुपया भी कम नहीं। मुझे मंजूर है जी। तो चलिए मैं आपको अपना बंगला दिखा देता हूं। ना, ना, कोई जरूरत नहीं ना, मेरा मतलब है कि बंगला मैंने बाहर से देख लिया है, उतना ही काफी है। Are you sure? मैं बिल्कुल पक्का हूँ जी। आप तो बस पेपर दिखा दीजिए इस बंगले के पक्के। जस्ट ए मिनट। हाँ जी। आप तसल्ली कर लीजिए, आई एम विलियम हेनरी और बंगले का रजिस्ट्री हमारा नाम पर है, अच्छी तरह देख लीजिए। सेटिस्फाइड? हाँ जी हाँ। तो डील पक्का? हाँ जी पक्का जी पक्का। आप बैठिए ना, बैठिए बैठिए। एडवांस? लो जी, ये तो हो गए 10 लाख और ये रहे 20 लाख और ये रहे 25 लाख। वायदे के मुताबिक 25 लाख रुपया एडवांस और बाकी के 50% यानी 50% मेरे नाम पे रजिस्ट्री होने के बाद। श्योर श्योर। अब इस पे जरा साइन कर दीजिएगा। इसमें लिखा है कि मैंने 25 लाख एडवांस पाए। पर साइन हम अपने पेन से ही करेगा क्योंकि ये मेरा लकी पेन है। करो जी करो, मन्ने तो साइन से मतलब है। ये लीजिए। बुरा मत मानना भाया, लेकिन ये साइन और ये साइन में थोड़ा सा फर्क है। देखिए, आपका यंग एज का फोटो और आपका फोटो में थोड़ा डिफरेंट तो होगा ही, और फिर बुढ़ापे में हमारा हाथ कांपता है, नेचुरली फर्क तो आएगा ही। रजिस्ट्री का साइन बरस पुराना है, जब जब हम एकदम यंग था। पेपर्स कब तैयार करवाने का है? हाँ जी हाँ, ये आपके पेपर है। आज हो गया शनिवार, कल होगा रविवार और परसों है सोमवार, तो सोमवार को सुबह 9:30 बजे मैं यहाँ हाजिर हो जाऊंगा और फिर हम इकट्ठे पेपर तैयार करवा लेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। पर देखना, रजिस्ट्री वजिस्ट्री में ज्यादा टाइम खराब करने का नहीं है ना, ना। कुछ हिला पिला के काम जल्दी पटा लेने का है। क्योंकि वेडनेसडे को हमारा लंदन का फ्लाइट है,
हम अपना सन के पास जा रहा है। अच्छा अच्छा, वो उधर ही सेटल है, अब हम उधर ही रहेगा। अच्छा, इसीलिए ये बंगला हम आपको बेचता है। ओ, तो एक बात बल्ले पड़ी। आप चिंता को नहीं करो, मेरी वहां बहुत जान पहचान है, यो चुटकियों में काम कर लूंगा। हाँ जी साहब, किससे मिलना है? हिंदी साहब से। आइए इस तरफ। मैडम। यस। ये अपने साहब से मिलने आए हैं। आइए। जी नमस्ते। नमस्ते। मैंने हिंदी साहब से मिलना है। बैठिए, प्लीज हैव अ सीट। वो अपने स्टडी रूम में है, मैं भी उन्हें बुलाती हूँ। आप बैठिए। शनिवार को आया था तो ये बड़ो अकेला था, अब यो इसकी बेटी होगी। यस जी, मुझे हेनरी साहब से मिलना है। आई एम मिस्टर हेनरी, टोनी हेनरी। जी मैंने आपसे नहीं, वो विलियम हेनरी साहब से मिलना है। आपको मिस्टर विलियम हेनरी से मिलना है? जी जी, मैंने कोर्ट जाना है आज उनके साथ, अपने नाम ये पेपर रजिस्टर करवाने के लिए बंगले के। What are you talking about? और कौन से पेपर्स की बात कर रहे हैं आप? देखिए, 50 लाख रुपए का सौदा हुआ है ये बंगले का, और 25 लाख रुपया मैं कैश एडवांस भी दे चुका हूं। What? एक दूसरे को क्यों देख रहे हैं? आप हेनरी साहब को बुलाइए, वो विलियम। कब खरीदा आपने बंगला मिस्टर विलियम हेनरी से? कब के? परसों खरीदा, शनिवार को। अब हंस क्यों रहे? आप उनको बुलाइए जी, वो विलियम हेनरी साहब को। देखिए, या तो आप एक बहुत बड़े पागल हैं, और या फिर एक फ्रॉड। क्या? चुपचाप यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो धक्के मार के बाहर निकल दूंगा। कम ऑन आउट। अरे ते क्या धक्का मारेगा मन्ने? मन्ने फ्रॉड कहता है, मन्ने धंधा सिखाएगा तू? अरे 25 लाख रुपए तन्ने दिया है मैंने, और मन्ने फ्रॉड कहेगा तू? अरे पहले तू विलियम हेनरी को बुला। ऐसे नहीं मानोगे, कम ऑन आउट। क्या हो गया? बाहर निकलिए, चलिए ये बाहर निकलिए, बाहर निकलिए यहाँ से। प्रभु प्रभु जी सर, जस्ट थ्रो हिम आउट। इस आदमी को यहाँ से बाहर फेंको, और बंगले के आसपास नजर आए तो मुझे बताना। जी सर। चलो। अरे छोड़ तू मुझे, क्या तू मुझे बाहर फेंकेगा? अरे धोखेबाज तो तुम सब लोग हो। अरे मन्ने फ्रॉड कहता है, मेरे 25 लाख रुपए हजम करना इतना आसान को नहीं है, मैं पुलिस ने बुलाऊंगा। तो अब तुम मुझे पुलिस की धमकी दे रहे हो? अरे धमकी को नहीं दूंगा, मेरे पास सबूत है कि विलियम हेनरी ने मेरे से 25 लाख रुपए एडवांस खाया है। हीरामल जी। जी आपके पास क्या सबूत है कि आपने विलियम हेनरी का बंगला खरीदने के लिए 25 लाख रुपया उन्हें पेशगी दी है? सबूत है जी, मारे धोरे रसीद है उसकी साइन की हुई। आप वो रसीद दिखा सकते हैं? ये लो जी। हीरामल जी, इस रिसीट में किसी के भी दस्तखत नहीं है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसने मेरे सामने साइन किए थे। इंस्पेक्टर विलियम हेनरी,
जिस आदमी की ये बात कर रहे हैं वो मेरे ग्रैंडफादर थे, उन्हें मरे हुए 18 साल हो चुके हैं, 18 years. Do you understand that? 18 years. This man is a fraud. इसे अरेस्ट करिए इंस्पेक्टर साहब. नहीं 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 इंस्पेक्टर साहब, मारे पे भरोसा करो इंस्पेक्टर साहब, मैं लुट जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा. हीरामल जी, आपको कहां से पता चला कि मिस्टर विलियम हेनरी का बंगला फॉर सेल है, पिकाऊ है? इंस्पेक्टर साहब, मैंने अखबार में इश्तेहार दिया था कि मैंने बंगला चाहिए, और शुक्रवार की शाम को ये हेनरी बाबू का मारे धोरे फोन आया कि भाई मैं अपना बंगला फौरन बेचना चाहता हूँ और कीमत सिर्फ 50 लाख रुपए है. अगर सौदा मंजूर हो तो 25 लाख रुपए एडवांस लेके आ जाओ, फौरन से पेश तो वहीं के वहीं सौदा कर डालेंगे. और वही हुआ. इंस्पेक्टर, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी सस्पेंस हॉरर फिल्म के डायलॉग बोल रहे हैं. हीरामल जी, जब आप इनके बंगले पे गए शनिवार को, मिस्टर हेनरी विलियम्स के बंगले पे, तो उस बंगले पे कौन कौन था, आप किस किस से मिले? जी कोई नहीं, खाली वो हेनरी बाबू ही थे जी. उसकी उम्र लगभग कितनी रही होगी? उम्र जी ये कोई 65-70 साल की. इंस्पेक्टर, आई डोंट अंडरस्टैंड, आप व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? जस्ट अ मोमेंट मिस्टर टोनी, आई नो द वैल्यू ऑफ माय टाइम. बहरहाल आप ये बताइए कि आप अपनी पत्नी के साथ सैटरडे को कहां थे? मैं और मेरी वाइफ एक हफ्ते के लिए गोवा गए थे छुट्टी के लिए, और आज सुबह की फ्लाइट से वापस लौट आए. गोवा? आप दोनों के अलावा उस बंगले पे और कोई तीसरा नहीं है? एग्जैक्टली, कोई भी नहीं है. कोई नौकर चाकर? जी हाँ, एक चौकीदार है. ये बताइए मिस्टर टोनी कि आपके घर की कोई डुप्लीकेट चाबी जो किसी और के पास रहती हो? जी नहीं, ऐसी कोई चाबी नहीं है. एंड इंस्पेक्टर, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, आप इस आदमी को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं? दिस मैन इज अ फ्रॉड, ये झूठ बोल रहा है. यह आदमी झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, उसका फैसला मैं करूंगा. हीरामल जी, जी आप ये बताइए कि जब आप शनिवार को मिस्टर विलियम हेनरी के बंगले पे गए थे, तब वहां वॉचमैन था? जी मैंने तो आपसे पहले कही ना जी कि वो बुड्ढे के अलावा और कोई नहीं था जी. एक बात समझ में नहीं आई मुझे हीरामल जी. इतनी बड़ी रकम 25 लाख रुपए आपने किस बिना पे दे दिए एकदम से उठा के? ये मरने की पतो था कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो जाएगा, और करोड़ों की प्रॉपर्टी जब 50 लाख में मिलती होवे तो किसी की भी आंखें अंधी हो जाएंगी जी. मैं भी लालच में आ गया और मैंने ज्यादा खोजबीन नहीं की जी. ऊपर से उसने मन्ना रजिस्ट्रेशन के पेपर दिखा दिए जिसमें उसी के नाम थे, बस मन्ना भरोसा कर लियो. ओ, तो तुम्हें ये भी पता है कि बंगले के रजिस्ट्री के पेपर्स अभी तक मेरे ग्रैंडफादर के नाम पर हैं? पता है. अगर ऐसी बात है मिस्टर टोनी, तो फिर आपके घर जाकर वो रजिस्ट्रेशन के पेपर्स हमें देखना होंगे. बस मन्ना पता था कि मुंबई पुलिस बड़ी मुस्तैद है जी, यही दूध का दूध और पानी का पानी करेगी. चलो जी. लेकिन इंस्पेक्टर, ये कोट तो मेरे ग्रैंडफादर का है. मिस्टर टोनी, ये कोट में देख सकता हूं? प्रीतम टेलर्स, विल्सन स्ट्रीट. अगर मैं भूल नहीं रहा तो 15 साल पहले ये विल्सन स्ट्रीट का नाम चेंज करके महात्मा गांधी मार्क कर दिया गया था. इसके मायने ये हुए कि ये कोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 30 से 40 साल पुराना है. हाँ,
मिस्टर टोनी, मैं वो कागजात देखना चाहता हूं। ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जी, ये देखिए, यही साइन तो मेरी रसीद पर किए थे उसने। लेकिन जो रसीद आपने दिखाई उस पर कोई सिग्नेचर नहीं थे। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो रसीद वाले साइन किधर गए। इट हैज टू बी योर ग्रैंडफादर्स भूत टोनी, तभी तो रसीद में से सिग्नेचर भी गायब हो गए। अब भूत था या इंसान था, मगर जीता जागता मेरे सामने था। इंस्पेक्टर साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, उसने उसने यही साइन किए थे मेरे सामने। एक्चुअली इंस्पेक्टर, मुझे लगता है ये झूठ नहीं बल्कि सच बोल रहा है। देखा देखा, आखिर बोल लिया इन्होंने। शनिवार को तारीख थी 15 जून, और 18 साल पहले 15 जून को ही मेरे ग्रैंडफादर और मेरे ग्रैंड मदर की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे ग्रैंडफादर की आत्मा भटकते हुए अपने घर आई हो, और शायद इसीलिए करोड़ों की ये प्रॉपर्टी उन्होंने सिर्फ 50 लाख रुपए में बेची, क्योंकि 18 साल पहले शायद इसकी कीमत 50 लाख रुपए रही हो। शायद ऐसा तो नहीं मिस्टर टोनी कि कोई इनके खिलाफ कोई साजिश कर रहा हो, नकली विलियम हेनरी बन के इन्हें 25 लाख रुपयों के लिए ठग रहा हो। लेट्स फेस द रियलिटी। लेकिन ये कौन कर सकता है? बाय द वे मिस्टर टोनी, गोवा में आप किस होटल में ठहरे थे? गोवा पैराडाइज। गोवा पैराडाइज। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो ये पेपर्स और ये बॉक्स मैं अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ, जस्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन, इफ यू डोंट माइंड। श्योर, थैंक यू। साहब, सलाम साहब। नाम क्या है तुम्हारा? जी प्रभुदयाल। शनिवार की दोपहर को यहाँ ड्यूटी कर रहे थे? हाँ साहब, वो रोज दोपहर को 12 और 2 के बीच हमारी खाने की छुट्टी रहती है, तो रोज की तरह हम खाना खा के अपने कमरे में पीछे आराम कर रहे थे साहब। शनिवार की दोपहर को तुम आराम कर रहे थे, पक्का याद है? बिल्कुल याद है साहब। तो शनिवार को तुमने बंगले में किसी को आते जाते नहीं देखा? नहीं साहब। हीरामल जी, जब आप शनिवार को इस बंगले पे आए थे तब कितने बजे थे? जी यही कोई 1 बजे। श्रीवास्तव, गोवा में ये जो होटल है गोवा पैराडाइज, यस सर, पता लगाओ कि यहाँ मिस्टर एंड मिसेस टोनी ठहरे थे या नहीं। राइट सर। पेपर्स बहुत साल पुराने लगते हैं श्रीवास्तव, ऐसा जान पड़ता है जैसे बहुत सालों से किसी ने इन पेपर्स को छुआ तक नहीं। ये देखो, आपस में चिपक से गए, लेकिन ये रजिस्ट्री के पेपर्स इतने ही पुराने जान पड़ते हैं, लेकिन ये आपस में चिपके नहीं हुए। ऐसा तो नहीं कि टोनी ने जब हमें पेपर्स बताए उसके बताने से पहले ये पेपर्स किसी ने खोल के देखे हों। यू आर राइट सर, ये भी पॉसिबल है कि हीरामल सच बोल रहा हो, क्योंकि उसने हमसे यही कहा था कि विलियम हेनरी ने उसे ये पेपर दिए थे। श्रीवास्तव, मुझे ये दोनों पेपर्स की लेबोरेटरी जांच चाहिए। पता लगाओ श्रीवास्तव कि ये पेपर्स कितने साल पुराने हैं। शायद हीरामल सच बोल रहा हो कि
उस रिसीट पे सिग्नेचर्स किए हों, बाद में गायब हो गए हों। या इंस्पेक्टर भारत। सर मैं सब इंस्पेक्टर नाथ बोल रहा हूँ। गोवा के होटल पैराडाइज से हमने कंफर्म कर लिया सर कि टोनी हेनरी और उसकी वाइफ वहाँ पर रुके थे, लेकिन दोनों रोज सुबह होटल से जल्दी निकलकर देर रात को वापस लौटते थे। वेरी गुड मिस्टर नाथ। अच्छा एक बात बताइए कि मंडे को सुबह एक्चुअली दोनों ने चेकआउट कर लिया था? यस सर। थैंक यू मिस्टर नाथ, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। बाय। हेलो मिस्टर हीरामन, मंडे को हम तुम्हारा इंतजार करता रहा और तुम नहीं आया। हीरामन जी, आपने बताया था कि उसके दाढ़ी भी थी। जी नंदू, जरा इनकी दाढ़ी बनाना। ऐसा लगता था? नहीं जी, बिल्कुल नहीं जी। इसका मतलब तो ये हुआ कि नकली दाढ़ी मूछ लगाकर और विलियम हेनरी बनकर मिस्टर हीरामल को टोनी ने बेवकूफ नहीं बनाया। यकीन से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हो सकता है कि टोनी ने इतना अच्छा मेकअप किया हो कि उसे पहचानना मुश्किल हो। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मन्ने तो टोनी की बात ही सच्ची लगी है। कहीं वो भूत उसका दादा ही तो नहीं था जिसने मेरे साथ बंगले का सौदा किया? कल रात मन्ने वो फ्लैट के बाहर नजर आया। हो सकता है हीरामल जी कि यह हरकत भी टोनी की ही हो, और उसे आपको विश्वास दिलाना हो कि आपकी डीलिंग उसके ग्रैंडफादर के भूत के साथ हुई। लेकिन आप बिल्कुल इत्मीनान रखें, अगर आपकी डीलिंग उसके ग्रैंडफादर के भूत के साथ भी हुई है तो मैं उस भूत से आपका 25 लाख रुपए निकाल के ले आऊंगा। हाँ, क्योंकि भूतों को ठीक करना मुझे बखूबी आता है। इसे कहते हैं जी पुलिस। इंस्पेक्टर, दिस मैन इज अप टू समथिंग। ये लगातार आपको मन गलत कहानियां सुनाता है और आप उस पर विश्वास करके हम लोगों को परेशान करते हैं, जबकि इसके पास किसी भी बात का कोई सबूत नहीं है। और अब ये कहता है कि कल रात इसने अपने लिफ्ट के बाहर मेरे ग्रैंडफादर को देखा जो कि 18 साल पहले मर चुके हैं। मिस्टर टोनी, कल रात 9 और 11 के बीच आप कहां थे? कल रात 9 और 11 के बीच मैं अपनी वाइफ के साथ डिनर पर गया था। आपको कोई एतराज? मुझे क्या एतराज हो सकता है? थोड़े से नर्वस से लग रहे हैं आप, क्या बात है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हीरामल जी की बातों पे विश्वास करके मैंने ये केस थोड़ा सीरियसली लेना शुरू कर दिया तो आपको थोड़ी सी परेशानी सी हो गई? देखिए मिस्टर टोनी, अब हमें इस बात का पूरा यकीन हो गया है कि हीरामल जी सच बोल रहे हैं, वाकई धोखा हुआ इनके साथ। और ये सारा खेल आपका रचाया हो सकता है 25 लाख रुपयों के लिए। होटल के कमरे से सुबह सवेरे जल्दी निकल जाना, बॉम्बे आना, अपना कार्यक्रम करना, रात को फिर होटल के कमरे में वापस, यह विश्वास दिलाने के लिए कि आप गोवा के गोवा में ही हैं। As simple as that। इंस्पेक्टर, आप भी अब इस पागल आदमी की तरह कहानियां बनाने लगे? आप हम पर शक नहीं कर सकते।
मिस्टर टोनी, मैं आपके ग्रैंडफादर की तस्वीर देखना चाहता हूं, डोंट माइंड। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर, मेरे पास मेरे ग्रैंडफादर की कोई भी तस्वीर नहीं है। मिस्टर टोनी, आपके पास आपके ग्रैंडफादर की, आपके दादाजी की एक भी तस्वीर नहीं? इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव, तस्वीर है नहीं या आप देना नहीं चाहते। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस सिग्नेचर की तरह ये तस्वीर भी गायब हो गई? सर, टोनी के घर से जो पेपर्स मिले थे, ये उसकी लैब रिपोर्ट आ गई है सर। चाचा जरा वो पेपर्स तो देना। मुझे ऐसा लगता है श्रीवास्तव, जैसे अब ये केस सॉल्व होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन पहले हमें ये जो सिग्नेचर्स गायब हो गए हैं, इस मिस्ट्री को सॉल्व करना पड़ेगा श्रीवास्तव। वी हैव टू चेक दिस फर्स्ट, ये माजरा क्या है। तो माजरा ये है, तो हमारे मिस्टर ठग ने हीरामल को ठगने के लिए ये ट्रिक इस्तेमाल की। That's right. लेकिन क्वेश्चन अभी भी वही है कि ये सब किया तो किसने किया। इंस्पेक्टर, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि वो रसीद में से सिग्नेचर कैसे गायब हो गए। मिस्टर विलियम हेनरी के जाली सिग्नेचर्स जिस इंक से किए गए थे, मिस्टर टोनी हेनरी, उस इंक के अंदर एक ऐसा केमिकल मिला हुआ था कि उससे लिखा हुआ कोई भी मैटर कुछ ही घंटों में गायब हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। लेकिन ये सब किया किसने? अभी बताता हूं।
सिक्योरिटी प्रभु दयाल जी, बंदूक साफ कर रहे हो? उस दिन जब मैं आया तब भी तुम गन ही साफ कर रहे थे ना? रजिस्ट्री के पेपर्स जब लैब से चेक होकर आए सिक्योरिटी प्रभुदयाल, तो उन पेपर्स से एक अजीब सी खुशबू आ रही थी, ऑयल की खुशबू। वो ऑयल जो आमतौर पे आर्म्स एंड एम्यूनिशन साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो ऑयल जो तुम अपनी बंदूक साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हो। लो सूंघ के देखो, खुशबू है। और तभी मेरा माथा खनका कि हो ना हो ये काम तुम ही ने किया है। अरे नहीं साहब, हमने कुछ नहीं किया है। राम सौगन हमारा यकीन मानिए, हमने कुछ नहीं किया साहब। तुम पे यकीन कर लूं? ठीक है, तुम पे यकीन कर लेता हूं। ये भी यकीन कर लेता हूं कि वो डील विलियम हेनरी के भूत के साथ हुई थी, और इस बात को साबित करने के लिए तुमने वो नकली विलियम हेनरी, वो भूत हीरामल के बिल्डिंग तक भी भेजा था ना प्रभु दयाल? ये क्या कह रहे हैं साहब, हमारी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। हम सच बोल रहे हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं। ठीक, नहीं जानते होंगे, मान लेते हैं। मैं सच कह रहा हूं साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। तो ऐसे नहीं मानेगा। भूतों को ठीक करना मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। 2 सेकंड का वक्त देता हूं, अगर 2 सेकंड के अंदर तूने नहीं बोला तो मैं तुझे भूतपूर्व बना दूंगा। सुना तूने? अरे जान लेंगे क्या साहब, हम बताते हैं, गलती हो गई हमसे। ये सारा प्लान मैंने ही बनाया था साहब, दिमाग खराब हो गया था ना हमारा, मती मारी गई थी हमारी साहब। अब ये प्लान हमने उस रात सोचा जब चोर वही पेपर्स का बॉक्स चुरा कर भाग रहा था, यह सोचकर शायद कि उसमें कोई कीमती चीज है। मैंने उस चोर से वो बॉक्स तो छीन लिया, लेकिन वो चोर भाग गया। मैंने उस बॉक्स में वो पेपर्स देखे और ये प्लान मेरे दिमाग में आया, और मैंने अपने पिताजी को विलियम हेनरी बनाकर और तुम्हारे पिताजी ने नकली विलियम हेनरी बन के वो 25 लाख रुपए ठग लिए हीरामल जी से। वो रुपए कहां है? ऑन स्पीकर, कम ऑन। मेरे पिताजी के पास। और तुम्हारे पिताजी कहां है प्रभु बेटा?
ये सारे लोग तेरे साथ और यहाँ? रामदयाल बाबू, खेल खत्म लेकिन पैसा नहीं हजम। तुम्हारा बेटा जुर्म कबूल कर चुका है। बेटा जाओ, वो पैसे और जेवर लेके आओ। कमान कोई कमान। लाता हूं, लाता हूं, अभी लाता हूं। जी लीजिए, ये इसमें इसमें सारा पैसा है, सब पैसा है इसमें। ये लीजिए हीरामल जी, आपकी अमानत। इसे कहते हैं पुलिस। जरा गिन लीजिए। पूरे होंगे जी, पूरे है। वाह रामदयाल जी, बाप होने का अच्छा फर्ज निभाया आपने। अपने बेटे को सही रास्ता दिखाने के बजाय उसे गर्द में धकेला। तुम बाप नहीं हो, बाप के नाम पे ऐसा नासूर हो जिसका कोई इलाज नहीं। मैं तुम दोनों को चीटिंग और फ्रॉड के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं।